अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। तो देखें, यहाँ हमने 2 चम्मच ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। ये हमारे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको हमने ऑमलेट कट कर लिया है, इसको डाल देंगे। इसको हम सोटे कर लेंगे। देखें, प्याज हमारी सोटे हो गई है। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। ये हमारे पास 2 हरी मिर्च थी, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। देखें, ये हमारे पास आधी कटोरी फ्रोज़न मटर है। आप इसकी जगह फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक हमारी मटर सॉफ्ट नहीं हो जाती। मसाले को पकते हुए हमारे 5 से 6 मिनट हो गई हैं। और मटर भी हमारी गल चुकी है, तो अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। अब हम इसमें ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। और इसको अब हम कवर करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये पनीर भुर्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।